तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर? ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल के जो कलर हैं क्या है, सेम है? तो मुझे बताओ, सेम कलर आए, मुझे बताओ कि इसके अंदर से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इससे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलो प्लीज, 1/2। 1/2। इसके अंदर व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इससे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब दोनों सेम कलर होंगे तो दोनों का मुझे ग्रीन ही चाहिए। भाई बोल रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कलर्स ऑफ सेम कलर, तो सेम कलर तो ब्लू व्हाइट तो होता नहीं है, तो सेम कलर तो ग्रीन ग्रीन ही है। यस और नो, यस और नो, बोलो। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, 1/2 × 1/2। इसको आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट बोल सकते, इसको बी बोलते हो। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? तो 1/4 इसका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? हाँ जी, इसमें ग्रीन चाहिए, इसमें ग्रीन चाहिए आपको, बोलो। क्लियर है? यस, सेम कलर के लिए 1/4, 46 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ मैं आपको। बता दूं? यस, हाँ जी। अब देखो थोड़ा इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल, एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक ग्रीन बॉल चाहिए, क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल। तो मुझे बताओ कि इससे अगर ग्रीन निकलेगा तो दूसरे से क्या मिल जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन बॉल इज व्हाट, वन ग्रीन बॉल फ्रॉम फर्स्ट, यस और नो, और वाइट बॉल। देखो फर्स्ट, मान लो केस फर्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट में क्या होगा, ग्रीन किससे, फर्स्ट से, समझ रहे हो, यस और नो, और वाइट सेकेंड से, वाइट सेकेंड वाले अंक से। चलेगा आपको? भाई दो में से मैं एक निकल रहा हूँ तो एक का ग्रीन निकल गया, सॉरी, एक का पहले से ग्रीन निकला तो दूसरे से वाइट निकला, और क्या पॉसिबिलिटी है कि सेकंड क्या होगा, बताओ जरा, पहले वाले से क्या निकल जाए, बोलो बोलो, ब्लू निकल जाए। चलेगा आपको? या तो ग्रीन इससे भी ले सकते हो और ग्रीन इससे भी ले सकते हो, तो दोनों चलेगा दोनों से भी ग्रीन निकल जाए, ग्रीन पहले वाले से और ग्रीन दूसरे से, ये भी चलेगा आपको? आपको कोई एक बोला है, अगर दोनों ग्रीन दे तो क्या दिक्कत है, दोनों दे दिया ग्रीन, यस और नो, कोई प्रॉब्लम, बताइए। यस, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे तीसरा केस क्या है, केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड क्या होगा, ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट और कम से कम एक ग्रीन चाहिए, तो पहले वाले से अगर ब्लैक निकला तो दूसरा से ग्रीन मुझे चाहिए होगा 100%, यस और नो, यस और नो, बोलो। हाँ जी, अच्छा अगर ये बात सच है मुझे बताओ इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, यस और नो। वाइट का आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, ग्रीन के आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। उसी तरह से आई फर्स्ट वाला ग्रीन का निकलने का 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2, बोलो, सही है ना? इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, समझ रहे हो, यस और नो। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि फाइनल क्या आएगा, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका कितना आया, केस फर्स्ट से 1/2 + 1/2, बराबर ना, करेक्ट। केस फर्स्ट एटलीस्ट बोला था, अगर केस फर्स्ट सही होगा या केस सेकंड सही होगा इसके लिए भी 1/2 + 1/2, या केस थर्ड सही होगा, यस और नो। अभी तीनों केस थोड़ी ना सही होगा एक टाइम पे, एक टाइम पे तो एक ही केस लोगे, यस और नो। अगर इससे ग्रीन आया तो दूसरे वाले से वाइट आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 + 1/2 + 1/2, नहीं ये इंटू कर लेना, इसको प्लस नहीं करना, बीच का तो इंटू आएगा ना, ये 3 बार क्यों लिख दिया मैंने, इसको इग्नोर करो भाई, 3 बार नहीं आएगा, ये 2 बार आएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले से ग्रीन तो दूसरे से वाइट, दोनों को अगर एक साथ होना पड़ेगा, ठीक है, तो 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 + 1/4 + 1/4 कितना आ गया, 3/4। क्लियर है सबको, बोलो।
यस सर सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खत्म हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या, देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 10 ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3। कि अगर आप 10 ट्रायल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 10 ट्रायल कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 10 ट्रायल में 2/3। तो आपको थोड़ा ट्रुथ स्टेटमेंट वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, 2/3 का मतलब क्या होता है मालूम है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/3? सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2/3 का मतलब क्या मालूम है? कि 3 ट्रायल में, समझना जरा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3 का मतलब क्या होता है बताएंगे जरा आप? सक्सेस 2/3 मीन्स आउट ऑफ 3 ट्रायल्स, क्या मीनिंग है भाई? आउट ऑफ 3 ट्रायल्स 2 इज क्या? सक्सेस। यस और नो? मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे को हर बार हेड चाहिए, मैंने क्या बोला, मुझे कॉइन को उछालना है और मुझे हेड ही चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए जरा। सामने वाला बोलता है हर बार 3 बार जब तुम कॉइन उछालोगे ना तो 2 बार कंफर्म आपका हेड आएगा, ऐसा बोल रहा है सामने वाला। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस। 3 बार उछाला, 2 बार हेड आया, हो सकता है पहले बार में हेड आया हो या दूसरे बार में हेड आ गया होगा, दोनों लगातार, या पहली बार में हेड, तीसरे बार में हेड, बीच वाले में टेल, ऐसा कुछ हो रहा है सीक्वेंस। जरा मुझे बताओ कि 3 ट्रायल में 2 सक्सेस, यस और नो? तो 2 सक्सेस कितने ट्रायल में हुआ, कितने ट्रायल में? 3 ट्रायल में। तो 10 सक्सेस के लिए है ना, राइट, आपको क्या चाहिए? 10 ट्रायल्स चाहिए। तो सक्सेसेस इन 10 ट्रायल्स, तो 3 आप ऐसे सोच लो, और ऐसे कर सकते हो, 3 ट्रायल में कितना सक्सेस? 2 सक्सेस। हाँ जी, तो 10 ट्रायल में कितना सक्सेस? 2/3 × 10 कितना हो? 20/3 कितना आया? 6.66, दैट इज इक्वलेंट टू 7। यस और नो? अब 6 तो है ही नहीं मेरा ऑप्शन में, है क्या ऑप्शन में बोलो? नहीं है ना, सर 6 के नज 6.66 के नज़दीक तो 7 ही लग रहा है। 5 तो हम ले नहीं सकते, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 10 हम ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 का तो चांस ही नहीं है, तो 7 के आसपास हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा 48 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका एक सीधा सीधा थ्योरम है, n+1 × p का जो कॉन्सेप्ट है, इसे भी हम निकालते हैं सक्सेस का, अगर आपको याद हो तो। n नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितना है? n मतलब 10+1 × 2/3। एक फॉर्मूला है कुछ लोग यूज करते हैं इसको, 22/3 लगभग 7 के आसपास हो जाता है। मुझे बताओ अगर तुम 3 में 2 सक्सेस कर रहे हो, तो मुझे 3 सक्सेस करना है, तीसरा भी सक्सेस ही चाहिए मुझे, तो एक ट्रायल कम से कम और लेना पड़ेगा हमको, यस और नो? अगर मुझे अगला भी सक्सेस चाहिए तो कम से कम एक ट्रायल तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा बोलो? यस, तो वही चीज़ हो जाती है। तो बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 2 ट्रायल 2 सक्सेस 3 ट्रायल में, या फिर ट्रायल में 2 सक्सेस तो 10 ट्रायल में कितना सक्सेस? 6.66 सक्सेस, यानी लगभग 7 के आसपास। यस और नो बोलो? यस सर। यस और नो? चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बहुत अच्छा समझना होगा आपको ये बात, ये तो सीधा डेफिनेशन है, आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री, हैविंग वन सैंपल पॉइंट, कौन सा आंसर आएगा? जिसमें एक सैंपल पॉइंट होता है वो एलिमेंट्री इवेंट इवेंट कहलाते हैं। समझ में आ रही बात?
यस और नो, जिसके एक ही सैंपल पॉइंट हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। सबको बताया था मैंने पिछले जब टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। यस, और अपलोड हो गया क्या ये? ठीक से स्टिल रनिंग चल रहा है। आगे देखते हैं, थ्योरी में पढ़ाया है मैंने, तो देखिए नेक्स्ट 3 पॉइंट्स। ये क्या ओपन कर दिया मैंने, चलिए नेक्स्ट है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल हेड्स एंड वन टेल। तो चलो 3 कॉइन है मेरे पास, कितने कॉइन है? ये क्या हो रहा है? ओहो, कितने कॉइन्स हैं बताओ जी? 3 कॉइन्स है ना? तो कैसे पता लगाएं कि 3 कॉइन में हेड टेल क्या का कैसे बताइए? 3 कॉइन को अगर हम करते हैं तो किस तरह से होगा? अगर मैं हेड लिखता हूँ, ये सुनो, क्या क्या पॉसिबिलिटी, तीनों कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगे बताइए जरा आप, बोलो। तो दे विल फॉल 2 हेड्स एंड वन टेल। तो चलो मैं करता हूँ, है ना, हेड 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 हेड, 3 कॉइन हमने लिख दिया, 3 बार हेड और 3 बार क्या टेल। फिर हेड हेड टेल टेल हेड हेड, ठीक है, फिर क्या 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, ये सेम आ गया, टेल हेड। अच्छा टेल टेल हेड हेड और टेल टेल, तो यहाँ पे एक बार हेड लगा लो, टेल हेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टेल हेड कर लो ये लास्ट में, ठीक है। देखो सब डिफरेंट है या ये दोनों सेम आ गया, तो इस दोनों में से एक ले लो, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, है ना, टेल 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 हेड हेड हेड, यस और नो? अब अगर मैं हेड लूँ, हेड लो तो टेल हेड कर दिया, तो फिर ये दोनों रिवर्स हो गया, देख रहे हो रिवर्स हो गया ना, हेड को फिक्स रखा, फिर क्या किया मैंने, टेल लिख दिया तो टेल हेड टेल कर दिया, तो टेल टेल हेड हो गया, समझ में आ रही बात? यस और नो? इसका रिवर्स कर दिया हमने, इसका इसके साथ, इसका रिवर्स इसके साथ चल रहा है, टेल एक बार 3 बार टेल कर दिया, 3 बार हेड कर लिया, ठीक है। तो क्या कह क्या रहा है सामने वाला, कि 2 हेड चाहिए और 1 टेल चाहिए, हालांकि इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, 3 3 6 है ना, और 2 और बचा है, बताओ कौन सा, बोलो बताओ कौन सा बचा हुआ है, टेल टेल हेड बचा हुआ है? अरे है ना जी, यहाँ से लिखा था ना, टेल टेल हेड, एक और बताओ मुझे जल्दी से, मुझे तो दिख रहा है, तो मैं तुम बताओ, मैं स्लो जानबूझ रहा हूँ कि आप लोग के साथ जल्दबाजी ना हो, बताइए कौन सा बचा है? अरे हेड टेल टेल नहीं बचा है जी, हैं बराबर के नहीं, बोलो। तो कितने हमारे सैंपल स्पेस हो गए? 3 3 6 2 8। अब सामने वाला बोल रहा है 2 हेड चाहिए और 1 टेल चाहिए, 2 हेड 1 टेल किसमें है बताओ जरा, इसमें है बोलो ना, इसमें है राइट, और बताओ, 2 हेड 1 टेल और किसमें होगा? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हम लिख सकते हैं, टेल हेड हेड नहीं लिख सकते हैं क्या? हालांकि यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है शायद, वो तुम कह लेना, कुछ रिपीट हुआ है क्या? टेल हेड हेड रिपीट तो नहीं होना चाहिए, एक रिपीट हो गया होगा शायद, नहीं होना चाहिए ऐसे तो, टेल टेल हेड टेल हेड है, चलो ठीक है। तो कितने आए? 3 आया ना, यस। तो 3 का आपको वैसे ही पता है कि आउटकम्स 2 हैं और 3 डाइसेस हैं, तो कितना हो गया? 8 हो गया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे मेरी बात, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो ना, मेरे को 2 हेड चाहिए, तो हेड हेड और 1 टेल, 1 टेल हेड हेड, है ना, हेड टेल हेड, बस ये 3 तो करना है, इतना सारा मेहनत क्यों करना आपने, कोई मतलब है क्या मेहनत करके, बताइए मुझे, यही पॉसिबिलिटी है ना? और सर तो 3 आ गए और इसकी सैंपल स्पेस आएगा कितना, पॉसिबल आउटकम्स कॉइन के क्या होते हैं, बट कितने कॉइन है आपके पास? 3 कॉइन है, तो हो गया ना, इट प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एनी बाय एनएस, तो एनी थर्ड हो गया, एट हो गया, सही ना, 3/8। तो इतना सारा सैंपल स्पेस बनाने मत लग जाना एग्जाम में अननेसेसरी, जो काम की चीज़ें वो निकालो ना, जो काम की चीज़ें हैं वही निकालो ना, क्या ज़रूरत है अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट इफ, सर्टेन इवेंट कब कहलाता है मुझे बताओ। कोई भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो है कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, बोलो, 0 से 1 तक, यस और नो, 0 से 1 तक। सर्टेन इवेंट का मतलब ये होता है कि यही होगा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ, सिंगल इवेंट की बात करेंगे अपन, कन्फर्म मुझे बताओ, तुम बॉल को जब ऊपर फेंकते हो तो कन्फर्म नीचे आता है ना, ये टेढ़ा बड़ा हो जाता है, सीधा सीधा बताओ भाई, अगर आप सीधा सीधा फेंकोगे तो नीचे आएगा ये, क्या इसमें कोई डाउट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या शायद रुक जाए रास्ते में, आसमान में रुक जाए, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, कोई दिक्कत है। नहीं अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, सर, अगले आज आया कल नो मूड थोड़ा सूरज का ठीक नहीं है तो चलो भाई आज नॉर्थ से निकलते हैं, ऐसा होगा कभी, मतलब ये इवेंट कैसा है, सर्टेन है, सवाल ही नहीं उठता है कोई सर। चांस होने वाला, फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 0 और 1 जीरो क्यों, ये तो वैसे ही हो गया जैसे और वन सर की, क्यों जीरो, जीरो क्यों, 1 मतलब 100% यही होगा और दूसरा कोई चांस ही नहीं है। जीरो का मतलब ये कि शायद होगा ही नहीं ऐसा, जीरो का मतलब ये होगा कि नहीं होगा, 1 का मतलब हो गया 100% ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा और हमेशा ऐसा ही होगा, जब तक पृथ्वी है ऐसा ही होगा, राइट, 1 का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नहीं है वो, पूरी तरह से सत्य है, सच है एकदम पूरी तरह से, नहीं समझे बात को, आधी आधी प्रोबेबिलिटी का मतलब यस हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जीरो का क्यों, सर्टेन इवेंट मतलब 100% होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1, क्लियर है, सही है ना, सर, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलो अगला सवाल देखो क्या है, इन थ्रोइंग डाइस 6 फेस डाइस लेट ए बी द इवेंट, इवेंट नंबर अकर्स, अच्छा जी डाइस है मेरे पास, इवेंट नंबर आया, इवेंट मतलब क्या, 2 4 6 है ना, मान लो कि एक इवेंट है जिसमें एक नाम का इवेंट है, इवेंट नंबर आया, बी के अंदर ऑड नंबर आया, बी का नंबर क्या है, ऑड नंबर 1 3 5 बराबर ना, यस, बोलिए, सी इवेंट ग्रेटर देन 3, सी एक इवेंट है ग्रेटर देन 3 कौन सा है, 4 और 5 6, अरे बोलो ना। यस अब मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे आप, व्हाट डू मीन बाय द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, बोलिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ उसके पास है वो चीज़ तुमको खुद पता है ना जी, एक्सक्लूसिव स्टोर होता है ना दुकान में कोई, एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिवाइस के कपड़े मिलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव, भाई लिवाइस ब्रांड के अलावा सर, दूसरा ब्रांड नहीं बिकेगा, सीधी बात है कि नहीं, बोलो, तुम एयरटेल के कस्ट एयरटेल का जो तुम सिम कार्ड लेने जाते हो एयरटेल स्टोर में, वहाँ वोडाफोन का, वोडाफोन का भी मिलता है क्या सिम कार्ड बताओ, सर लेकिन छोटे मोटे दुकान जो खुले रहते हैं वो तो सब रखता है, सर क्या चाहिए बोलिए आप, वोडाफोन एयरटेल आइडिया सब है अपने पास, लेकिन एयरटेल के स्टोर पर जाके बोलते हो भैया जियो का सिम कार्ड दो ना, बोलता बेवकूफ़ हो क्या, बाहर आपको पता नहीं चलता है क्या, खाली एयरटेल का सामान रखते हैं हम, ऐसा ही सैमसंग का होता है मोबाइल का, ओप्पो के सर्विस सेंटर में जाते हो तुम, वहाँ बोलते हो कि मेरा माइक्रोमैक्स का मोबाइल ठीक कर दीजिए, ऐसा होता है क्या, हाँ जी, नो अब सर मुझे जवाब दो इसका आंसर क्या आएगा, मेरी से कहानी सुनते हो तब तुम लोग सही जवाब देते हो, बी अरे कमाल की बात करते हो यार तुम, ठीक है बी कह रहे हो, अच्छा और बताओ भाई, और कोई कुछ कहना चाहेगा, बी नंबर सी विद द इवेंट दैट इज नंबर ग्रेटर देन 3,
फाइव सिक्स और बी इवेंट है ऑड नंबर अकर्स, ओके, और टू फोर सिक्स उसके अंदर हो गया ए सी। हाँ बताइए। अच्छा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब एक बात तो ये हो गया, दूसरा मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बताया था आपको, एक पॉइंट तो ये था कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बताया था कि नहीं, यस और नो? अरे भूल गए क्या तुम लोग, बड़े बेकार टाइप के आदमी हो जी, हैं भाई नहीं समझे, कम से कम मतलब कम से कम नहीं, एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ये तो कभी मैं मिटाया भी नहीं हूँ, बड़ा बेकार टाइप का मामला है तुम्हारा जी। देखो सारी थी भूल जाए तो मैं दिखा दूँ तुमको, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, नहीं ऐसे कैसे देखो, बुक में तुम लोग देखो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का थ्योरम, ये तो पता है उल्टा उल्टा। अच्छा इसमें से दिखा सकते थे हम, नहीं लिखेगा तुम, मैं ही दिखा देता हूँ, शायद तुमको पेज नंबर घर पे अभी देखो तुम लोग मोबाइल पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों चीज क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, यस और नो? एग्जॉस्टिव में होता है क्या, कम से कम एक नेसेसरी अकर होना चाहिए, तो यहां म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, आ गया ये रहा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कौन सा आएगा बताओ जरा, ऑप्शन नंबर बी, यस और नो? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव में एक कॉमन होना चाहिए बस, ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें तो कॉमन आ गया तो काम तो चलेगा नहीं, हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें तो कॉमन है तो नहीं चलेगा, तो मुझे आंसर क्या जाएगा, ए एंड बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, तो बी आंसर आ गया, ठीक है। एक पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है 53 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है क्या, पढ़ पा रहे हो, मुझे दिख रहा है। यस अच्छा जी ठीक, कहा जा रहा है एक फेयर कौन है रिपीटेडली टॉस किया जा रहा है, अब पांचवे टॉस में जो वैल्यू आएगी प्रीवियस चार टॉस से अलग हो, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लो टॉस कर रहे हैं हम लोग, टॉस 1 2 3 4 5, ठीक है ना, बराबर ना, बोलो पांचवा टॉस किया हमने, तो मुझे बताओ पांचवा टॉस अगर हेड हो तो बोल रहा है ना फर्स्ट फोर टॉस से अलग होना चाहिए, तो पांचवा हेड है तो फर्स्ट फोर टॉस क्या आया होगा, टेल, यस और नो? अरे बोलो, यस अगर पांचवा टॉस टेल है तो पहला का चार टॉस क्या जरूर कंफर्म क्या रहा होगा, हेड, यस और नो? अरे बोलो ना, अब मुझे बताओ तुम कॉइन उछाल रहे हो सैंपल स्पेस कितना, कॉइन के आउटकम्स कितने होते हैं, दो, और कितने कॉइन है, पांच, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 32, तो ऐसा कितनी बार हो पा रहा है बताओ, ऐसा कितनी बार हो पा रहा है, एक बार ये कौन सा, ये देखो दो बार ऐसा हुआ, यस और नो? एक बार ये और एक बार ये, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या बताओ, कि आखिरी वाला टॉस प्रीवियस चार से डिफरेंट हो, पहला और दूसरा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, 2/32, यस और नो बोलो। पार्टी खत्म, 1/16, 1/16 मतलब क्या है, डी ऑप्शन, क्लियर है, यस और नो? यस सर, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5, तो पांच है कितनी बार, हर बार कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, इतना आ गया 1/2 2 4 8 16 32, ठीक है, समझे कि नहीं,
ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एक तरीका और है, एक तरीका और है, लेकिन ये चीज थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, पता नहीं बच्चे समझ पाएंगे। स्टार्टिंग वाले चार केस में और पांचवें केस में समय तो 1/2 ही प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये मान लेते हैं ये वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं तो कितनी बार, 5 बार। ये हो गया एक केस प्लस, अगर ये केस कंसिडर कर रहे हैं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस सॉरी इंटू लगा देना इसमें, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया, 1/32 प्लस 1/32। पिछला वाला केस में ना जो मैंने लिखा था सबको मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ, तो 1/32 किया, वही चीज़ को हम 2 बार करना पड़ेगा, तो 1/32 प्लस 1/32 2/32 यानी 1/16। ठीक है, वही चीज़ मैं पिछले वाला को लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ गया था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। सर ठीक है, आगे बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखो, अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, ए और बी दो इवेंट हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, तो आप बोलोगे 0.8, बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो मेरी बात? ये सुनो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई 0.9। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको गया पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बोलो, स्टार्ट करें। यस और नो? हाँ जी, देखो बड़ा सिंपल फॉर्म फैक्ट है कि अगर आप जानते हो फॉर्मूला तो सीधी बात है लगा दो, नहीं जानते हो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप क्या करना है, दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। ठीक है, तीनों को जोड़ के, है ना, और इंटरसेक्शन से घटा दीजिए। आपको ए यूनियन बी का वैल्यू आपको मालूम है, ये सुन। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट नहीं इज इक्वल टू 0.4 दिया है ना आपको, इसका यूज करना है आपको डायरेक्ट, तो आप कैसे यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का, ए हो गया कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, यस और नो? मालूम है ना, मतलब अकरेंस अकरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस नॉट अकरेंस ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, यस और नो? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक हम देख रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है कि नहीं? दोस्तों ठीक है, माइनस, अब ये दोनों का आप इसका पेयर बना दिया आपने, ये भी लिख दिया आपने, माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, अगर आप याद हो तो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, 1 माइनस करेंगे फिर ये करेंगे और ये इंटरसेक्शन पर लिखा देंगे, तो सीधा सीधा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा क्या करना है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, तीनों में क्या घटा देना है, 1 घटा दो, 1 कॉमन ले लेंगे हम, है ना, तो सीधा सीधा क्या कीजिए आप, 0.9 प्लस 0.3 प्लस 0.4, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखो चलेगा आपको, चलेगा ना, तो ऐसा को सीधा सीधा आप तीनों को जोड़िए कितना आता है, 9 4 13 3 16, 1.6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है,
सीधा घटा देना, क्योंकि मैं इस पर प्रूफ करने जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा ये, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का ए का जो वैल्यू है 1 माइनस, इसमें आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें बी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पता है कि नहीं होता है? तो अब इतना सारा चीज़ लिखने से अच्छा है कि इतने को जोड़ के -1 घटा दो, -1 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अरे यार शिट, मिटा दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन तुम लोग को? है ए बैग कंटेंस 5 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल्स, इसका आंसर पॉइंट्स हो गया। ब्लैक ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। ब्लैक कितना है? 5 है, और व्हाइट कितना है? 3 है, बराबर ना। दो बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब समझते हो? पहला बॉल निकाला लेकिन उसको वापस नहीं रखा, ठीक है। दूसरा बॉल निकाला उसको भी वापस नहीं रखा, तो मुझे बताओ आपके पास बॉल कितना है इनिशियली? बोलिए। 8 बॉल, यस और नो? बोलिए, आपको दो बॉल निकालना है, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी। पूछा जा रहा है कि दोनों बॉल वाइट निकले, तो वाइट बॉल तो वाइट से निकलेगा, यस और नो? टोटल वाइट से ही तो वाइट निकलेगा। इनिशियली 8 बॉल है जिसमें दोनों हैं, ब्लैक भी है और वाइट भी। अब मैंने एक बॉल निकाला पहले, एक बॉल जब मैंने निकाला तो 8 में से कितना बॉल निकल गया? 1। बट ये तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वाली बात हो गई, ये तो, यस और नो? ये तो सैंपल स्पेस वाली बात हो गई, लेकिन वाइट से ही तो वाइट निकलेगा, तो 3 से 1 बॉल निकल गया। ये बात समझ में आई बात, यस और नो? बोलो। लेकिन अब आपके पास कितने बॉल बचे? क्योंकि इसको वापस नहीं रखा तो आपके पास कितने बॉल बचे? अगली बार जो आप एक बॉल निकालेंगे कितने से निकालेंगे? 8 -1 बॉल से निकालेंगे, समझ में आ रही बात, यस और नो? क्योंकि ये निकालने के बाद जो आपने वाइट निकाल लिया उसके बाद वापस नहीं रखा ना, वाइट से वाइट निकल गया, 3 वाइट से 1 वाइट निकल गया, तो अब वाइट कितने बचे? अब वाइट कितने बचे हैं बताइए? 2 बचा है। अब उसी वाइट में से एक वाइट और निकाल के दो भाई मुझे, बस काम खत्म। पहले 8 बॉल थे, अब मेरे पास 7 बॉल बचे, तो 7 में से 2 वाइट बचे हैं, उसमें से भी एक वाइट निकाल के दे दो मेरे को, ऐसा। तो ये क्या हो गया? 3/8 × 2/7, ये 2 कट जाएगा, 3/28। क्लियर हुआ सबको? बोलो, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ विथ 2 डाइस, ये क्वेश्चन आप करोगे अभी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ या मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सम ऑफ 7 विथ 2 डाइस, सॉल्व करो इसको अभी, मैं आ रहा हूँ 30 सेकेंड में, ठीक है? आप इसको सॉल्व करो।
अबे क्या आंसर आया? वन बाय सिक्स। बाय सिक्स आया। यस सर। ठीक है, अच्छा लगा। देखो भाई, सिंपल बात है, दो डाइस है ना मेरे पास, तो कैसे लिखना था? डाइस वन, डाइस टू, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6। आपको चाहिए 7। वन के लिए, 7 बनाने के लिए क्या चाहिए? 6। टू के लिए कितना चाहिए? 5। यस और नो? 3 के लिए कितना चाहिए? 4। 4 के लिए कितना चाहिए? 3। 5 के लिए 2 चाहिए, 7 बनाने के लिए 1। तो कितने नंबर ऑफ इवेंट कितने आए? फेवरेबल आउटकम 6 आए। सैम्पल स्पेस कितना होता है दो डाइस के लिए? आउटकम्स अगर 6 हैं और मेरे पास दो डाइस हैं तो कितना आ गया? ठीक है, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइड में आ जाएगा, और ये 6, 1/36, 1/6। ठीक है, यस और नो? लेकिन तुम अभी कितने लोग ऐसे थे जो सैंपल स्पेस बना रहे थे बैठ के, ऐसे लंबा चौड़ा 36 के 3600 बनाया? कोई ऐसे थे क्या भाई? ईमानदारी से बता। नो नहीं ना, कोई बता दो भाई ईमानदार से, किसी ने ऐसी दुस्साहस की हो कि सर मैं कर रहा था बैठ के 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, कर रहे थे क्या कोई ऐसे नालायक? हाँ जी, नहीं कर रहे थे ना? चलो मान लेता हूँ, नहीं कर रहे थे। चलो नेक्स्ट। फोर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज गेटिंग एग्जैक्टली टू हिट्स? अभी चार कॉइन उछाला गया भाई, चार कॉइन का हम सैंपल स्पेस एग्जैक्टली टू हिट्स चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या तरीका होगा, तो चार हेड की देखो, चार बार हेड लिख दो, समझो, चार बार टेल लिख दो। ठीक, दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिख दो, फिर से दो बार हेड लिखो, देखो ना, फिर दो बार टेल लिख दो। ठीक है, समझ रहे हो? ये चार का सेट बन गया, फिर ये दो दो का बन गया, समझ रहे हो? मैं सब जाने के लिए बता रहा हूँ। और फिर अल्टरनेट लिख दो, हेड हेड टेल, अल्टरनेट। हाँ, हेड टेल, हेड और टेल, पार्टी खत्म। हाँ, समझ रहे हो? हमने कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं सारे के सारे, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? यस नहीं समझे? समझे कि नहीं? तो अभी तो तीन कॉइन का हो गया हमारा, ये तो तीन कॉइन वाली बात होगी ना, तीन कॉइन का हो गया हमारा। तो चार का बनाना होता तो क्या करना पड़ता हमको? एक बार और करना पड़ता। चार कॉइन है ना, अभी कितने कॉइन किए हमने? तीन कॉइन किए। ठीक है, बोलो ये सुनो, बट सामने वाले का डिमांड क्या है? एग्जैक्टली टू हेड्स, क्या चाहिए? एग्जैक्टली टू हेड्स। तो देखो, बनाने के तो तरीके बहुत सारे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली टू हेड्स के लिए हमें क्या करना होगा? अगर मैं चौथा का करूं, तो चौथा हेड के लिए हम या तो हम पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बनाएं, क्या बनाना वो ठीक है, या डायरेक्ट लिखूं चलेगा? मैं आपको बताइए, डायरेक्ट लिखूं चलेगा? बताइए, कॉइन के दो पॉसिबिलिटी, ऊपर चार तो कितना हो गया? 16 हो गया ना, 8 तो मैंने करके बताया, 8 और चल जाता। अरे भाई, सैंपल स्पेस आया ना 16। हाँ जी, यस बोलिए। अब एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, तो एग्जैक्टली हेड टू हेड्स के लिए क्या? 4 बार हेड, 3 बार हेड, है ना, 2 बार हेड, सही है ना? लेकिन 4 बार हेड लिया, फिर कितनी बार? 4 बार हेड कर दिया हमने, ये इसमें तो छेड़खानी करनी नहीं है। अब ये 3 बार हेड लिया, तो टेल के कितने पोजीशंस पॉसिबल हैं? एक बार पहले हेड 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 टेल, ये सुनो, हेड हेड टेल हेड, ये सुनो, बोलो, नहीं बोलोगे? और क्या? हेड टेल, बोलो, हेड हेड, यस। अभी एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, लेकिन ये बताओ क्या हमें 4 हेड की जरूरत है, 3 हेड की? बोलिए, सामने ने एग्जैक्टली टू हेड्स बोला ना। मैंने जानबूझ के ये सब क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि बच्चे को लगेगा एटलीस्ट टू हेड्स होता तो 3 हेड भी लेते, 4 हेड भी लेते, लेकिन एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, इसका मतलब क्या? वी नीड ओनली टू हेड्स। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? ये सुनो, सर तो अगर ऐसा हमको करना है तो ऐसा कितनी बार हो पाएगा? मुझे तो 6 बार दिख रहा है ईमानदारी से। हेड हेड एग्जैक्टली टू हेड, तो टेल आपको करना इसी के साथ करना होगा, आपको भाई जो करना है इसी के साथ करना होगा, ये सुनो,
हेड टेल हेड हेड सॉरी हेड ओहो हेड टेल टेल हेड फिर टेल हेड हेड टेल ठीक है यस और नो हेड टेल टेल हेड राइट और बताओ हेड टेल टेल हेड सही बात है ना बोलो यस सर। हो गया ना एग्जैक्टली टू हेड्स बता दो कुछ रिपीट हो गया हो तो ईमानदारी से दिख रहा है नो कुछ सर। तो पार्टी खत्म हो गया ना जी 6/16 कितना हो गया 3/8 ठीक है यस और नो लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप चाहते हो कि मैं पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें बताऊँ आपको कि 16 बार कैसे किया जा सकता है तो आपको क्या करना है 8 बार हेड लिख दो ठीक है कितनी बार हेड कितनी बार 3 3 6 7 8 बार हेड और कितनी बार टेल बोलो 8 बार 8 बार बचपन में तो बहुत किए हमने ये सब चीज़ें 3 4 मैं तो 16 16 बार कर देता था 3 2 5 6 7 8 अभी क्या करने का फिर 4 बार क्या लगाएंगे अपन मज़ा आ रहा है तुमको है सीखोगे ना ऐसे नहीं बोलोगे तुम लोग सीखो ऐसे कि नहीं सीखो स्कूल में बताओ ईमानदारी से बड़ा बेकार मामला है तुम्हारा जी जो नहीं सीखा है दो बार टेल एक बार के लिए तो जल्द दिखा दी थी मैंने अपने फैकल्टी को भी दो बार हेड गड़बड़ मत कर देना बस ये ध्यान रखना दो बार हेड हालांकि मुझे ये बताना है एम्बेरसिंग लग रहा है क्या मैं ये सब चीज़ और क्या ठीक है यस सर अब मुझे तो एग्जैक्टली टू हेड्स वाले कौन कौन से हैं ये है ये बस देखो 6 है ना यस सर। अब तो जन्नत दिख गया होगा तुम लोगों को है और टोटल कितने हैं 16 36 कहाँ से ला दिए बाबू सॉरी कुछ भी बोलोगे हैं 2 के पावर 4 6/16 1/8 क्योंकि पता है मैं ये बताया क्यों क्योंकि तुम बोलोगे सर मेरे को एग्जाम में ऐसे टेंशन रहता है ऊपर से कैसा पता चलेगा क्या लिखा नहीं लिखा सही बात है कि नहीं बोलो है ना एक लगे तो तुमसे कुछ भी पूछ दे वो कि एग्जैक्टली थ्री टेल्स पूछ ले तो भी निकाल लोगे है ना ओनली वन टेल बोल दे तो भी समझ में आता है बात बराबर की नहीं अभी सोचो इसमें जन्नत दिखा देंगे वो चार चार बार क्वाइन दिया इसमें कितने सवाल पूछे जा सकते हैं एटलीस्ट टू हेड्स बोल दिया तो एटलीस्ट टू हेड्स बोल दिया तो क्या करेंगे अपन ये तो लेंगे लेंगे 4 वाला भी लेंगे 3 वाला भी लेंगे यानी जिस जिस जिसमें हेड है एक वाला हेड नहीं लेंगे है ना यस एटमोस्ट बोल दिया सर तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट टू हेड्स तो क्या हुआ एटमोस्ट टू हेड का मतलब था ज्यादा से ज्यादा 2 हेड इसका मतलब 2 हेड एक हेड या एक भी हेड नहीं समझे एटमोस्ट का यस मतलब सर होता है ज्यादा से ज्यादा मान लो मैं बोलता हूँ एटमोस्ट टू हेड्स व्हाट डज इट मीन या तो 2 हेड हो ज्यादा से ज्यादा 2 हो या एक भी रहेगा चलेगा और नहीं भी रहेगा तो चलेगा छोटा सा एग्जांपल लो जिसका कोई फास्टिंग होता है वो क्या बोलता है एक काम कीजिए भाई साहब मेरा आज फास्टिंग है मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा एक काम कीजिए आप ऑरेंज जूस मंगा लीजिए सामने वाला बोलता है ऑरेंज जूस नहीं है कोई बात नहीं आप एक काम कीजिए लेमन जूस मंगा लीजिए तो बोलता है वो भी नहीं है तो बोलता है ठीक है साहब जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं एक तरीका ये है दूसरा बात भी बोलता है कि मैं फास्ट पे हूँ मेरे को ऑरेंज ये लेमन जूस मंगा दीजिए बोलता है नहीं है
एक काम कीजिए, ग्लास पानी ले आइए। बोलता पानी तो खत्म हो गया। एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, वैसे भी फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? 3 पॉइंट मैंने बता दिया आपको, या तो लेमन जूस या पानी या कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बराबर ना? ठीक है, चलिए आगे बताएं। इसको भेजो क्या स्क्रीनशॉट? यस चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको तकलीफ नहीं आएगी कॉइन में अब, है कितना भी कॉइन करा लो आप। अच्छा, आपको एक बात बताना था मुझे, अगर आपके पास 4 कॉइन्स थे तो आपने उसका इनटू 2 टाइम्स करके 8 बार हेड 8 बार टेल लिखा। अगर 5 कॉइन होते तो क्या करते तुम? 10 बार हेड 10 बार टेल लिखते। इसका 2 टाइम्स करना होता है, समझे? यस बोलिए। अगर 6 कॉइन होते तो क्या यस सर। करते? 12 बार हेड लिखते 12 बार टेल, फिर उसका आधा 6 बार हेड 6 बार टेल, वैसा करके करते जाना होता है। ठीक है, चलिए। उतना लंबा तो मेरे ख्याल से पूछेंगे नहीं, लेकिन तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट 58। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली, ये तो कर लिए ना अपन। नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाइस एंड 2 कॉइन्स एसोसिएटेड सैंपल स्पेस। डाइस में कितने सैंपल पॉइंट्स होते हैं? 2। यस बोलिए। 2 होते हैं, यानी हेड या टेल। डाइस की नहीं, ये कॉइन की बात कर रहे हैं, बट कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 2 है ना, तो हेड टेल यहां भी हो गया, 2 हो गए। उसके बाद क्या है? एक डाइस है, डाइस कहते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे होता, एक बार मैं हेड लूंगा, ये सबको लूंगा, फिर टेल लूंगा, इसको सबको लूंगा, ये लूंगा सबको लूंगा, टेल लूंगा सबको लूंगा, यानी कितने टेलीमेंट एलिमेंट है? 1 2 3 4, नीचे कितने? 6। तो टोटल कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। समझे? कॉइन्स के टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हुए? 4, और डाइस के कितने हुए? 6। यस तो टोटल कितने हुए? 6 × 4 = 24। ठीक है, ठीक है। सर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग डाइस, ये तो कर लिए। यहाँ देखते हैं, 2 नंबर्स आर सक्सेसफुली ड्रॉन फ्रॉम द सेट यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड द सेकंड ड्रॉन रिपीट आउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज, बताओ। आपको 2 नंबर निकालना है और 2 नंबर निकाला, पहला निकालोगे, मेरे पास यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? अगर तुमने 1 निकाला ना तो वापस नहीं डालने का, राइट? यस। और फिर जब दूसरा निकालोगे तो पहला पहला नहीं डालने का, मतलब दूसरा निकाले तो ये जो पहला वाला था वापस डालने का नहीं। अब तीसरा निकालेंगे तो क्या दूसरा वाला डालेंगे क्या वापस? मतलब ऐसा ही हो रहा है, पहला पहला सर निकाला ठीक है बाहर निकाल के रख लिया, फिर दूसरा निकाला पहला बाहर ही है। यस। तीसरा निकालेंगे तो दूसरा भी बाहर रह जाएगा। तो पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन द सैंपल स्पेसेस। एलिमेंट्री इवेंट्स सैंपल स्पेस में कितने होंगे? चलो, जब तुम पहला एलिमेंट निकालोगे तो टोटल कितने थे? 8 थे, और फिर कितना बच गया? 1 बच गया। यस और नो? यस और नो? सर ए, ये जो या तो तुम 1 निकालोगे या 2 निकालोगे या 3, एक साथ तो तुम 8 हो गए, 8 हो तो निकाल नहीं रहे हो। यस और नो? एक टाइम पे एक ही निकालोगे ना, यस तो सर एक निकालोगे तो तुम्हारे पास बाकी को निकालने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 7 बचा। 7 मतलब 8 - 1, उसमें से कोई एक निकल जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। पहला निकला तो हो सकता है अगला 7 बार निकल जाए, दूसरा निकला तो हो सकता है 5 बार निकल जाए। तो टोटल कितने 6 वेज हो गए? 8 × 7 = 56 वेज। क्लियर है? वेज कह सकते हैं या एलिमेंट्स बोल सकते हैं।
ऐसा हम 56 तरीके से ऐसा कर सकते थे कि 2 निकला तो बाकी 7 बच गए, 4 निकला तो हो सकता है बाकी 7 बच गए, या तो 6 निकला, ऐसा कितनी बार हम कर सकते थे, कितने तरीके से, 56 तरीके से, सही है ना? यस सर। बस इतना ही हो गया, दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्राइडे को क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। So we have covered some questions based on probability. Earlier we have gone with the theories. So those new who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can also join the Telegram channel by typing NDA Maths by Ravi Ranjan sir. And if you have any doubts, you can put in the comment section as well. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.